Mira, yo mientras. Good morning. बेहतर राजेंद्र जी सर, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला 2017 to 2022। देयर आफ्टर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी सर। आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा, प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल संविधान का ऑब्जेक्ट बताता है सर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय इन गिविंग आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया विल बी सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड हियर बाय गिविंग सिक्योरिंग ऑल सिटीजन टू ऑल इट सिटीजन्स द राइट टू फ्रीडम एंड इक्वेलिटी एंड देन सर सिक्योरिंग डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी टू ऑल पर्संस इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप। सर जो जस्टिस की जैसे बात की है, यस सर, तो जस्टिस किस किस को जस्टिस की बात कहते हैं सर? इसमें सर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कहते हैं और सर ये उसमें है टू ऑल सिटीजन्स के लिए ही है सर, बट इसमें सर दोनों होंगे, बाहर के पर्सन भी होंगे और सिटीजन्स दोनों इंक्लूड होंगे। फॉर ऑल पर्सन, यस सर। तो इसमें जो सोशल जस्टिस की जो बात करते हैं, यस सर, तो सोशल जस्टिस की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कहाँ गई है? सोशल जस्टिस की बात सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है और आर्टिकल 44 में है सर, जो उसमें सर सोशल जस्टिस फंडामेंटल राइट्स में भी आती है उस तरह की बात। सर फंडामेंटल राइट्स में सर सॉरी सर एक अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये आर्टिकल 17 क्या है सर? ये अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है सर। स्टेट क्या है? ये सोशल जस्टिस की कहीं बात है इसमें? यस सर, दिस इज ए सोशल जस्टिस सर। ये जो रिजर्वेशन की जो बातें करते हैं वो कौन से आर्टिकल में आती है? सर रिजर्वेशन की बात सर राइट टू इक्वालिटी 14, 15 और 16 के अंदर आती है सर। ये 14 में कहाँ पर है? सर इक्वलिटी के अंदर अगर अपन जाए सर तो इक्वलिटी के अंदर अपन को ये चीज़ मिलती है सर कि कोई डिप्राइव ना रहे, अगर कोई डिप्राइव हुआ है तो उन्हें स्टेट की ड्यूटी है कि उन्हें बराबर प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए अगर किसी का एक्सप्लोइटेशन हुआ है तो। क्या आप डेफिनेशन दे सकते हो आर्टिकल 14 क्या कहता है? सर आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सर इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स ऑल शुड बी ट्रीटेड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिस इज सर दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इट पुट सम लिमिटेशंस ऑन स्टेट एंड एज वेल एज इट ऑल्सो डायरेक्ट स्टेट्स टू गिव जस्टिस और प्रोवाइड सम एडिशनल बेनिफिट्स सर। Whether we apply rule of law here in India or not? Rule of law, yes sir. Yes, yes sir, after Menaka Gandhi sir. I can recall. Yes sir. After that judgment. Yes sir. Constitution mein to nahi kahin diya. Sir, constitution mein sir, rule of law. Sir. Ye word kahin hai, these words, rule of law. No sir. No, no, sir. Yes, sir. What's about preventive measures and CRPC? Preventive measures, sir, if a police officer or court is apprehending that someone will commit some crime, so they can prevent him by taking bond. And they can also arrest him, sir. Sir, section 151 CRPC talks about. Generally, these powers are related to executive magistrate and police officers. Yes, sir. But where a judicial magistrate have such powers in CRPC? CRPC, sir.
सर वन सेकंड सर, कैन आई वो टेक सम? 106 इज देयर। यस सर 106, यस सर, And 3, 5, 6, यस सर। what is that 3, 5, 6? 356 सर, सो सॉरी सर, आई To कैन। notify the address after conviction and the court thinks that it is very desirable to get the notifications of the address in case of change of address. Yes, sir. I will go through that. Yes, sir. Yes. So, what is the maximum period of that? Maximum period of? That after conviction. Yes, sir. Period of conviction is over. Yes, sir. For how many years court can bound the convicted person sir to give this address, change of address and their residence? Sir, such provision is in 1110 CRPC sir, there 3 months bond I can remember, but sir I can not recalling sir in 356. This is for the 5 years. Okay sir. After period of completion of conviction. What's the provisions of a pardon, giving pardon? Yes, sir. Under CRPC. Sir, they are given to sir appropriate government. Pardoning power is in appropriate government. Section. Sorry, sir. Okay. 1563 CRPC. Yes, sir. When magistrate wants FIR should be lowered, in that case, is it required to take the statements of the person under 200 and 202 or no? Sir. Both way sir. Both way. Yes sir. Without 202 statements and 200 examination, magistrate and also direct police officer to register an FIR. And sir, otherwise there can also be. Sir, if case agar complaint pe aata hai, to sir 202 and 200 वाला फॉलो करेंगे, और अगर अदरवाइज सर इंफॉर्मेशन आती है तो सो मोटो सर ही कैन आल्सो डायरेक्ट सर। 190 क्या है सर? कॉग्निजेंस पावर कॉग्निजेंस सर, ऑन पुलिस रिपोर्ट, ऑन कंप्लेन एंड एंड सो मोटो सर। सो मोटो ओनली 3, नॉट मोर देन 3? नो सर। इज सम अदर पर्सन, नॉट अ कंप्लेन। सॉरी सर, कोई दूसरा व्यक्ति कोई ऐसे सूचना देते हैं तो भी मजिस्ट्रेट दे सकते हैं क्या कॉम्प्लेन? यस सर। तो चार चार हो गए ना, ऑन पुलिस, यस सर, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, शो मोटो, यस सर, एंड समवन अदर पर्संस गिव सच इंफॉर्मेशन, यस सर। इफ द केस इज रिलेटेड टू ट्रायल टू सेशंस, then yes, what sir. The provisions under 200 and 202? Sir, if case is related tribal by session judge, then examination is not necessary or shall be completed sir. Sorry sir, I cannot not recall necessary. But yes sir, necessary, yes sir, some ke hi ek baar lega ji sir, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे जी सर। 167 क्या है सर? 167 सर ये मेक श्योर करता है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स एंड इफ दैट डिडंट बी कंप्लीटेड देन व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड टू व्हिच अक्यूज्ड कैन बी कमिटेड टू कस्टडी। और 145 एविडेंस एक्ट क्या कहता है?
सर इट टॉक्स अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन सर। यस सर। 1161 स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन द सीआरपीसी। यस सर। एंड 145 एविडेंस एक्ट। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दैट टू? यस सर देयर इज अ रिलेशनशिप सर। सर 145 टॉक्स अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी डन ऑन एनी प्रीवियस स्टेटमेंट्स। तो दैट स्टेटमेंट इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टेटमेंट अंडर 161 सीआरपीसी सर। 164 के स्टेटमेंट बहुत कॉमन लिए जाते हैं। यस सर। क्या मतलब है इनका और कितनी स्टेजेस है इसकी? 164 क्या कहता है सर? 164 टू स्टेटमेंट आई कैन रिकॉल सर एज ऑफ नाउ सर। वन इज 164 फाइव स्टेटमेंट, 164 क्लोज फाइव स्टेटमेंट्स एंड 164 वन दैट इज कन्फेशन सर। दीज आर टू टाइप्स एंड सर कन्फेशन इज सर देन दे आर टू टाइप्स सर। स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट सर। राजेंद्र जी जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, नाउडेज यू आर सेइंग किसान आर एजिटेटिंग ऑन रोड्स और आर दे फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ? सर दे आर सर बोथ I will say sir not that they are protesting, it is a right to speech, they are exercising their right to speech, freedom to speech, but not in a correct way. Can you tell me the case in which it was established by the Supreme Court that you can agitate? Sir they can agitate but they sir first is sir wo Ramlila Maidan case in which they can they say right to protest is also a fundamental right but not buns or they cannot morally they cannot overly come through. So you can demonstrate peacefully? No sir, they cannot demonstrate peace subject to state regulations. They can exercise their right to protest but subject to state regulation, peace and other things sir. Acha ek aur political justice se mera jo prashn hai. Yes, sir. कि at in present president of India came from ST group. Yes, sir. Suppose she has a daughter, can avail the reservation from ST category? Yes, sir. But not sure, sir. Answer. Because sir, only I know is that if a gazetted officer or some parents are in these things, then reservation could not be. Political जितना भी justice है, जैसे justice शब्द की बात की है, तो उसमें ये है कि ये जो social justice है ना, political justice, social justice, इसमें और जो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो जस्टिस है या 10% जस्टिस की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है, जनरल कैटेगरी के लिए दोनों में अंतर है। यस सर। एसटी या एससी के लिए जो रिजर्वेशन दिया हुआ है टू अपलिफ्ट देम नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिकली बल्कि उसे इसलिए अपलिफ्ट करना है कि वो उस समाज में सोसाइटी में उस लेवल का है। यस सर। अच्छा एक चीज बताएं कि मेट्रो में जो मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट हुआ और पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट, यस सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पावर्स? सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज एक्सरसाइजिंग सेम पावर एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज एक्सरसाइजिंग सेम पावर्स एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सीजेएम पावर आर इक्विवेलेंट टू मेट्रो प्रेसिडेंट ऑफ मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सर। बट सर ओनली डिफरेंस इज यू आर सेइंग बोथ द मजिस्ट्रेट आर इक्वल।
यस सर, अकॉर्डिंग टू पावर दे आर इक्वल, बट ओनली डिफरेंस इज अगर सिटी की पॉपुलेशन 10 मिलियन से एक्स्ट्रा है तो वो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। सर यही बात है, इसीलिए मेट्रो स्टेट में यही अंतर है। मान लो एक म्यूनिसिपल स्टेट है तो वो कितने रुपए तक का जुर्माना करते अपील हो जाएगी, और मेट्रोपोलिटन स्टेट कितने रुपए तक का जुर्माना या कितने समय तक के मामले में अपील नहीं होगी। यस सर, सर दिस इज द डिफरेंस। क्या है सर? ये है कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सेशन जज के बराबर पावर्स दी हुई हैं, हाँ, 3 महीने तक, 3 महीने से नीचे तक की कोई सजा कर देता है तो उसकी अपील नहीं होती मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। यस सर। और म्यूनिसिपल स्टेट का शायद 200 रुपये होने चाहिए, आई एम नॉट श्योर। हाँ तो पढ़िएगा आप इसे। यस सर। कि कितने रुपये तक की। अभी जो नए एक्ट आए हैं, आए नहीं है बल्कि उन्हें नोटिफाई करो अभी नहीं हुए, लेकिन उनकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत थी कि क्रिमिनल के मेजर एक्ट्स में सरकार ने एकदम पूरा चेंज कर दिया, ऐसा क्या जरूरत थी, क्या संसद की जरूरत पड़ी? सर कुछ ऑफेंसेस तो सर ऐड किए गए हैं, और सर इनकी मेजर ज़रूरत सर ये अपना ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स का क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम था इसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स थे, जैसे कि क्वीन है, जहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पे कई जगह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया यूज़ हुआ हुआ था वर्ड। तो इन सारे वर्ड्स को हटाना एक मैं मानता हूँ, और दूसरा सर ऑफेंस भी एक दो नए जो सोसाइटी जैसे बदली है इतना में काफ़ी क्रिमिनल्स ऑल्सो ग्रो, क्राइम ऑल्सो चेंजेस विद टाइम, जैसे साइबर क्राइम्स हैं इनको ऐड किया गया है सर। डिफरेंशिएट एडमिशन और कन्फेशन। सर इन एडमिशन एडमिशन में सर ये नेसेसरी नहीं है कि वो अक्यूज्ड ही करे, बल्कि कन्फेशन में ये नेसेसरी है कि वो अक्यूज्ड करे। एडमिशन में अक्यूज्ड कैसे हो सकता है, कोई एग्जांपल? एडमिशन में अक्यूज्ड कैसे हो सकता है? अक्यूज्ड एडमिशन कैसे कर सकता है, इसका कोई एग्जांपल? सर डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर सकता है सर वो, लाइक इन सेक्शन 70 इंडियन एविडेंस एक्ट। आप प्रश्न नहीं समझ पाए, मेरा प्रश्न ये है कोई क्रिमिनल है वो एडमिशन कैसे करे? क्रिमिनल ने जब ये कहा है कि मैंने ऑफेंस किया है तो कन्फेशन हो गया, एडमिशन कैसे कर सकता है? अभी आपने तो बोला सर वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम को ना एडमिट एडमिट करके कुछ और चीजें एडमिट करे तो सर दैट कैन बी एडमिशन, लाइक कोरोबोरेटिव एविडेंसेस सर। कोई एग्जांपल सर? फॉर एग्जांपल सर अगर सर चलो मैं एक आपको थोड़ा सा यस सर, यस सर, मैं और एक मेरा साथी एक तालाब में नहा रहे हैं, यस सर, और मेरे ऊपर ये आरोप है कि मैंने साथी को डुबोके मार दिया, यस सर, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैंने नहीं डुबोया, इसे नहाना नहीं आता था, ये डूब गया है, यस सर, तो मैंने कन्फेशन किया है एडमिशन किया? एडमिशन किया सर। हाँ यस सर। अभी एक बात किसानों के ऊपर चल रही है, यस सर, तो एलजीबीटी के पावर कहाँ से आती है इसमें उनको रोकने के लिए? सर ये सर आर्टिकल 19 के अंदर सर स्टेट रेस्ट्रिक्शन कर सर, सीआरपीसी में, सीआरपीसी में सर ये पब्लिक मेंटेनेंस एंड कहाँ पर है, कौन सा सेक्शन? 106 से लेके 129 से लेके सर वो आगे वाले 130 से 130, यस सर। What is grammatical and literal and grammatical rule? Can you explain? Grammatical and literal rule, sir. Words of the statute should be given their general meaning and their original meaning, sir. That unse divert nahi hona hai zara. Unko interpret diya jayega, sir. Any case? Sir, literal interpretation. सर लिटरल इंटरप्रिटेशन सर हेडन्स केस है सर वो सर, बट सॉरी सर आई एम नॉट श्योर। यस सर।
What is difference between statutes and interpretation? Sir, interpretation, statutes are made by parliament and interpretations are done by courts. Can you explain who is expert? Sir, expert in which section? Yes, sir. Sir, section 45 talks about experts. 45 to 51 talks about experts. And sir, expert is a person who is a handwriting mein, arts mein, wo foreign law mein, jo jise specialization hai usme wo ka. Only three. सर एक और भी है सर, वो मैंने मिस कर दी सर. ये सर उनमें सर उसको एक्सपर्ट हो वो तब कहलाएगा जब उसे स्पेशल नॉलेज में हो, उसकी उस स्पेशल एक्सपीरियंस में हो, या फिर वो उन चीज़ों से रोज देखता हो. डाइंग डिक्लेरेशन एक वर्ड है सर. क्या कहता है ये? सर डाइंग डिक्लेरेशन सर जब कोई कोई इंसान जो जिसकी डेथ हो जाती है उसे डेथ से पहले कोई स्टेटमेंट देता है वो as to transaction of showing to death and circumstances showing his death. ये सर dying declaration है सर. एक person का accident होता है. Yes sir. जैसे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये accident है, लेकिन accident में वो कुछ और था और उसका एक बयान record किया जाता है और उस बयान के 3 महीने बाद उसकी डेथ होती है. यस सर. ठीक है. यस सर. क्या डाइंग डिक्लेरेशन हुआ? सर हो सकता है. हो सकता है. यस सर. चलिए सीआरपीसी में कितने सेक्शंस दिए हैं टोटल? फोर नॉट श्योर सर, 484 या 5, नॉट श्योर सर. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.